हेलो स्टूडेंट्स दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन स्क्रीन कह रहा है द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अ प्लान ए इज अबाउट हाफ दैट ऑफ अर्थ अब सुन लें आप वेट का फॉर्मूला क्या होता है एम एन टू जी है ना वेट का फॉर्मूला है एम एन टू जी मास तो कॉन्स्टेंट रहता है तो अगर किसी पर्सन का वेट किसी प्लानट पर जाकर आधा हो जा रहा है मतलब उस प्लान पर ग्रेविटी ऑन प्लान ए विल बी इक्वल टू जी बाई टू अर्थ की ग्रेविटी के हाफ के बराबर है है ना अब कह रहा है ही कैन जम्प अप टू अः जीरो पॉइंट फोर मीटर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ हाउ हाई कैन ई जम्प ऑन प्लान अब जैसे मैं हूं आपको पता है किसी भी पर्सन की जो टोटल एनर्जी है वो कॉन्स्टेंट होती है चाहे मैं अपने घर पर रहूँ चाहे मैं आपके घर आ जाऊँ अगर आप मुझे डिनर पर इन्वाइट करो चाहे मैं कहीं भी चला जाऊँ किसी प्लान किसी सन मून कहीं भी चला जाऊँ तो एनर्जी तो कॉन्स्टेंट है तो कहने का मतलब अगर वो जम करेगा जंप करेगा तो उसकी फाइनल एनर्जी कौन सी होगी पोटेंशियल तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पर्सन ऑन अर्थ विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पर्सन ऑन ठीक? अर्थ पे क्या आएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला एम जी एच ये हो गया प्लैनेट पे क्या आएगा एम मास तो सेम रहेगा इन प्लेस ऑफ जी आई विल यूज जीए उस प्लान का ग्रेविटी और इस हाइट को मैं एच डैश मान लेता हूं अब कह रहा है ही कैन जम्प अप टू हाइट ऑफ जीरो पॉइंट फोर मीटर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ तो कहने का मतलब हाइट ऑन अर्थ वो कितना जम्प करा है जीरो पॉइंट फोर एम और एम कट गया जी हाइट कितना है जीरो पॉइंट फोर जी ए ग्रेविटी ऑन दैट प्लान ए कितना मैंने आपको बता दिया जी बाई टू तो ये हो गया जी बाई टू इन टू एच डैश ये जी और ये जी भी कैंसिल ये टू इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर इंटू टू कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट एट तो द पर्सन कैन जंप अप टू अट ऑफ जीरो पॉइंट एट मीटर तो सबसे पहले ध्यान रखना वेट में जो भी चेंज होता है वो ग्रेविटी के कारण होता है पर्सन का वेट वहाँ पर आधा हो गया मतलब एक्सलरेशन टू ग्रेविटी आधी हो गई दूसरी चीज़ चाहे मैं यहाँ कूदूँ चाहे मैं कहीं कूदूँ मेरी जो एनर्जी है वो सेम रहेगी तो पर्सन पर्सन की जो पोटेंशियल एनर्जी है सॉरी वो अर्थ पे भी सेम रहेगी और उस प्लानिटे पर भी सेम रहेगी आप पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा आई होप इट इज़ क्लियर टू यू समझ आ गया हो तो कुछ कह देना कमेंट सेक्शन में और नहीं आया हो फिर भी कुछ कह देना ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर गुड नाइट